गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपनी कक्षा 12 की जो जियोग्राफी है वो अपने स्टार्ट कर रखी थी और उसमें अपने सेकंड चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था अपने विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, मतलब अपने वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। और इसमें अपने जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें अपने बात की थी जनसंख्या की, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि, और फिर अपने स्टार्ट किया था जनसंख्या में परिवर्तन के घटक। ये टॉपिक अपना चल रहा था, यहाँ तक अपने चर्चा कर ली थी। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में अपने दो घटक जो थे जन्म दर और मृत्यु दर, यहाँ तक अपने लास्ट क्लास में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने भैया इससे आगे की चर्चा करते हैं। देखो, अपने जन्म दर के बारे में अपने चर्चा की थी, इसको अपने CBR ही बोलते हैं। जन्म दर यानी CBR और मृत्यु दर का मतलब हो गया CDR, ठीक है। CBR और CDR, जन्म दर का मतलब हो गया कि एक साल में या प्रति वर्ष में 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। मतलब प्रति 1000 महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया है उनमें से जीवित बच्चे कितने हैं। जैसे मान लो 1000 महिलाओं ने 50,000 बच्चों को जन्म दिया है लेकिन उनमें से 40,000 ही जीवित बच्चे, तो वो 40,000 क्या हो गई, जन्म दर। इसका उल्टा भी है मृत्यु दर, मृत्यु दर यानी CDR। CDR में अपने बात की थी कि एक साल में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या जो है वो क्या कहलाएगी, मृत्यु दर। यहां तक अपने चर्चा कर ली थी। आज अपने बात करते हैं भैया प्रवास की। प्रवास, देखो भैया प्रवास क्या होता है, अपने सीधी लैंग्वेज में कहे कि एक आदमी के द्वारा एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना वह क्या हो गया, प्रवास हो गया। जैसे मान लो मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, राजस्थान को छोड़कर मैं यूपी में चला गया, या यूपी में रह रहा हूँ, यूपी को छोड़कर मैं एमपी में चला गया, तो उसी को अपने क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो अपने कह सकते हैं भैया प्रवास का सीधा सा अर्थ क्या हो गया, एक जगह से कहाँ जाना, दूसरी जगह पर चले जाना। अब प्रवास कई प्रकार का हो सकता है भैया, गांव से गांव में भी हो सकता है, गांव के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाना, या गांव से शहर में भी हो सकता है, या शहर से भैया गांव में भी हो सकता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा शहरों में जो लोग निवास कर रहे थे वो शहरों को छोड़कर कहां चले गए थे, गांव में चले गए थे, ठीक है। या एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकता है, सीकर को छोड़ के आप जयपुर चले गए, जयपुर को छोड़ के आप जोधपुर चले गए। तो इस प्रकार से प्रवास जो है वो गांव से गांव में भी हो सकता है, गांव से शहर की ओर भी हो सकता है, शहर से गांव से भी हो सकता है, या एक शहर से दूसरे शहर की ओर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये प्रवास जो है भैया ये दो तरह का होता है, एक तो होता है उत्प्रवासी, एक होता है अप्रवासी। देखो उत्प्रवासी क्या होते हैं, अप्रवासी क्या होते हैं। उत्प्रवासी किसे कहेंगे भैया, वह स्थान जहां से लोग जाते हैं या क्या करते हैं, गमन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी है वह जयपुर रह रहा है, जयपुर को छोड़कर वह कहां जा रहा है, जोधपुर रहने के लिए जा रहा है, तो उसका मेन जो जगह थी, उसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, जयपुर है, और कहां जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, ये क्या हो गया, उसका गंतव्य स्थल। तो उद्गम स्थल को छोड़कर जो गंतव्य स्थल की ओर जा रहा है ना, उसको क्या कहेंगे, उत्प्रवासी। कहने का मतलब हो गया वह स्थान जहां से लोग जाते हैं, जयपुर से जा रहा है या कहां जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, या क्या करते हैं, गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। और ध्यान रखना भैया उत्प्रवास की कंडीशन में क्या होता है, उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या आती है, कमी आती है। क्यों, क्योंकि जयपुर से मान लो एक फैमिली यहां से जयपुर से जोधपुर शिफ्ट हो गई, फैमिली में 5 मेंबर थे, तो यहाँ क्या हो गई, जनसंख्या में कमी हो गई, यहाँ क्या हो गई, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो एक तो होता है भैया उत्प्रवास, दूसरा होता है अप्रवास या अप्रवासी। अप्रवास का मतलब वह स्थान जहां लोग आते हैं, इस स्थान को छोड़कर भैया कहां आए हैं, जोधपुर आए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अपने अप्रवासी। क्लियर है, वह स्थान जहां लोग आते हैं, कहां आए हैं, जोधपुर में आए, और ऐसी कंडीशन में क्या होगी भैया, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो प्रवास भैया अपने दो प्रकार का होता है, या प्रवास की दो कंडीशंस होती है, एक तो उत्प्रवासी, एक अप्रवासी। अब आगे चर्चा करते हैं भैया।
प्रवास, देखो भैया प्रवास अपने तीन प्रकार का हो सकता है, प्रवास अपने स्थायी भी होता है, प्रवास अपने अस्थायी भी होता है, प्रवास अपने मौसमी भी होता है। स्थायी कैसे होता है, जैसे मान लो आप गांव में निवास कर रहे हो, गांव में भैया आपको बेहतर सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, बेहतर चिकित्साएं नहीं मिल रही है, आपको भौतिक साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, आप गांव को छोड़कर परमानेंट कहां शिफ्ट होगे, सीकर शिफ्ट होगे या जयपुर शिफ्ट होगे या किसी शहर में शिफ्ट होगे, वहां पर आपने आपके मकान वगैरह बना लिए, वहीं पर आप परमानेंट सेटल होगे, तो वो तो कैसा हो गया स्थायी। अस्थायी, अस्थायी कैसा भैया, कई बार क्या होता है किसी स्थान पे कोई बीमारी फैल जाए या कोई युद्ध हो जाए या कोई दंगा हो जाए या किसी प्रकार की हिंसा हो जाए या कोई मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, आर्थिक कंडीशन मान लो, उसकी वजह से क्या करते हैं लोग कुछ समय के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर परमानेंट रूप से निवास नहीं करते। जैसे अभी की बात करें या वर्तमान समय में लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाते हैं, लेकिन वो किस लिए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका मेन जो निवास स्थान है वो कहाँ है, उनका गांव है, उनका शहर है, वहां से रोजगार करके साल दो साल तीन साल कमाकर वापस कहाँ आ रहे हैं, अपने मूल निवास स्थान पे आ रहे हैं, तो वहां पर से वो वापस आ रहे हैं मतलब परमानेंट नहीं दे रहे, तो वो कैसा हो गया अस्थायी प्रवास। मैं बेरोजगार हूँ भैया, मैं अब सिक्कर का निवासी हूँ, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या अपने कुछ रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे स्टेट में चला गया, महाराष्ट्र चला गया, गुजरात चला गया, मैं वहां पर दो साल के लिए रोजगार कर रहा हूँ, दो साल बाद में वापस आ रहा हूँ, तो वह कैसा प्रवास होगा अस्थायी। एक होता है या मौसमी, मौसमी प्रवास का मतलब मौसम के अनुसार एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कई जगहों पर गर्मी होती है, जैसे अपनी बात करें भैया राजस्थान, राजस्थान में भैया गर्मियों में सर्दियों में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए आते हैं, क्योंकि राजस्थान की जो मौसमी दशा है, जो जलवायु है वो अनुकूल है। कई ऐसे स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस समय लोग क्या करते हैं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस जगह को चेंज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हो गया प्रवास जो है वो भैया तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, एक होता है मौसमी, ठीक है। अब आगे की अपने चर्चा करते हैं, अब बात करते हैं भैया प्रवास के कारक या कारण, कि ये प्रवास जो है उसके कारण क्या है, लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे क्यों जा रहे, ऐसे कौन सी घटनाएं हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाना पड़ता है। तो भैया इन कारणों को अपने दो भागों में बांटा गया है, एक तो है प्रतिकर्ष और एक है अपकर्ष। पहले कौन से कारक की बात करेंगे, अपने प्रतिकर्ष कारक की, प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं भैया, ऐसे कारक जिनकी वजह से व्यक्ति क्या करता है अपने उद्गम स्थान को छोड़ता है। प्रतिकर्ष कारक कौन से होंगे, ऐसे कारक जिनकी वजह से व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़ता है, वो कारक कौन कौन से हैं, जैसे भैया बेरोजगारी, जैसे महामारी। देखो बेरोजगारी, बेरोजगारी में क्या है भैया, आपने देखा होगा गांव में रोजगार के इतने साधन नहीं है तो लोग क्या करते हैं गांव को छोड़कर कहां शिफ्ट हो जाते हैं, शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको रोजगार उपलब्ध होता है, तो बेरोजगारी हो गई। महामारी, बीमारी के समय, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के समय भैया हजारों की संख्या में लोगों ने क्या किया था, प्रवास किया था, लोग गांव को छोड़कर या शहरों को छोड़कर कहां चले गए थे, गांव में चले गए थे, या फिर जो लोग बड़ी सिटियों में थे जहां पे कोरोना ज्यादा फैल रहा था वहां से लोग जो है उस स्थान को छोड़कर अपने मूल उद्गम स्थान पर आ गए थे। तो महामारी की कंडीशन में, बेरोजगारी की कंडीशन में, या लड़ाई झगड़ा, मतलब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जैसे मान लो भैया आप जहां रह रहे हो वहां के आसपास का माहौल जो है वो अच्छा नहीं है, वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होती है, रोज मारपीट का माहौल होता है, तो वहां पे भी क्या होता है लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके अलावा या प्रतिकूल जलवायु, मतलब अच्छी जलवायु के लिए, जहां पर आप रह रहे हो मान लो वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है या ज्यादा सर्दी पड़ती है जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो आप क्या करोगे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाओगे। जैसे भी अपने राजस्थान की बात कर ले, आज राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, लेकिन वहां पर जनसंख्या जो है वो कम है,
जबकि अपने बात करें पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान में भैया अपने क्षेत्रफल जो है वो कम है लेकिन वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। कारण क्या है? यही कारण है अपनी प्रतिकूल जलवायु, अपने बेरोजगारी। ठीक है, रेगिस्तान में आपको क्या रोजगार मिलेगा? कोई रोजगार नहीं है वहां पर, या है तो भी बहुत कम संख्या में है। लेकिन आप जो पूर्वी राजस्थान में आओगे, अपने जयपुर है, अपने जयपुर दौसा, अपने कोटा टोंक इस साइड के क्षेत्र में अपने जब आते हैं तो यहाँ पर रोजगार के भरपूर साधन है। तो इन कंडीशन में या निम्न जीवन स्तर के से आप गांव में रह रहे हैं, वहां पर भैया आपका जो एक प्रकार से सुख सुविधाएं है, भौतिक सुख सुविधाएं मान लो या आर्थिक सामाजिक किसी प्रकार की सुख सुविधाएं मान लो, वो कैसी है? निम्न स्तर की है। तो उपरोक्त कारणों की वजह से क्या होता है भैया, लोग जो है वो अपने उद्गम स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे कारक जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक। तो इनमें क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है भैया अपकर्ष। अपकर्ष क्या होता है भैया? ऐसे कारक जो व्यक्ति को अपने उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक क्या करते हैं, आकर्षक बनाते हैं, जो अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे कारक जैसे काम के बेहतर अवसर। भैया गांव है, गांव में आपको काम कम मिलेगा, शहरों में आपको काम ज्यादा मिलेगा। तो लोगों को ये काम के जो अच्छे अवसर है, बेहतर रोजगार जो है, इस बेहतर रोजगार की तलाश में लोग कहाँ आते हैं? शहरों में आते हैं। अच्छा रहन सहन है, शांति व स्थायित्व है भैया गाँव की अपेक्षा। या आपने बात करें कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर राजनीतिक माहौल गंदा होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनकी तुलना में लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ना पसंद करते हैं और कहाँ जाना पसंद करते हैं, जहां पर क्या हो, शांत माहौल हो, शांति हो, ऐसे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। तो शांति व स्थायित्व के लिए, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए और अनुकूल जलवायु की तलाश में लोग क्या करते हैं, अपने उद्गम स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ऐसे कारक है जो व्यक्ति को क्या करते हैं, आकर्षक करते हैं। तो ये कारक कौन से हो गए? आकर्ष कारक। तो अपने भैया प्रवास के दो कारक है, एक तो है प्रतिकर्ष कारक, एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारकों में आपके ये बिंदु आ जाएंगे, अपकर्ष कारकों में आपके ये बिंदु आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखो भैया, सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है यह मैं आपको बता चुका हूं। प्रवृत्तियों का मतलब हो गया कि एक प्रकार से जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से जनसंख्या में ग्रोथ हो रही है, किस प्रकार से जनसंख्या में ट्रेंड हो रहा है, उसकी अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो भैया यहाँ पर अपने बात करते हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान समय का मतलब अपने 2011 की जनगणना की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भैया विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी मानी गई है? 700 करोड़ से अधिक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 700 करोड़ से अधिक है, या आपने कहते 7 अरब से अधिक है। तो ये जनसंख्या में वृद्धि भैया किस कारण से हुई, इस वृद्धि की क्या विशेषता है, ये ग्रोथ किस प्रकार से हुई है, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया यहाँ पर आपको कुछ ईएस दिए हुए हैं। 1830 की बात करते हैं, आपने 1830 से स्टार्टिंग करते हैं। 1830 ईस्वी में जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1 अरब थी। यहाँ पर अपने किसकी बात करें, जनसंख्या में वृद्धि या ग्रोथ की बात करें या अपने वृद्धि की विशेषताओं की चर्चा करें, तो 1830 में भैया यह जनसंख्या कितनी थी विश्व की? 1 अरब थी। 1830 के बाद में 1930 में कितनी हो गई? 2 अरब हो गई। 1960 में कितनी हो गई? 3 अरब हो गई। देखो भैया यहाँ पर 1830 है, यहाँ पर 1930 है, मतलब 100 साल में कितनी हो रही है? दुगुनी हो रही है, 1 अरब से 2 अरब हो रही है 100 साल में। ठीक है, फिर यहाँ पर 1930 से 1960 में 3 अरब हो गई, मतलब यहाँ पर मात्र 30 वर्ष में कितनी हो गई? दुगुनी हो गई। यहाँ पर 100 वर्ष में दुगुनी हो रही है, यहाँ पर 30 वर्ष में दुगुनी हो रही है। फिर 1960 में 3 अरब थी, 1975 में कितनी हो गई? 4 अरब हो गई। यहाँ पर मात्र 15 वर्ष में क्या हो गई? दुगुनी हो गई। यहाँ पर 1975 में 4 अरब और 1987 में 5 अरब हो गई, मात्र 12 वर्ष में क्या हो गई? दुगुनी हो गई। 1987 में 5 अरब से लेकर भैया 1999 में 6 अरब हो गई, मतलब 12 वर्ष में कितनी हो गई? वापस दुगुनी हो गई। फिर यहाँ पर भैया 1999 में 6 अरब थी, यहाँ पर 2011 में कितनी अरब हो गई? 7 अरब हो गई। तो यहाँ पर भी कितना टाइम लगा? 12 वर्ष लगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जनसंख्या जो है वो एक, मतलब पहले के मुकाबले जो है वो काफी अधिक संख्या में क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है या ग्रोथ
कर रही है। अब ये वृद्धि या जो ग्रोथ हो रही है वो किस कारण से हो रही है, इसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? आपने भैया नाम सुना होगा औद्योगिक क्रांति जो अपने इंग्लैंड में हुई थी 18वीं शताब्दी के मध्य। अर्नोल्ड टाइल्बी या ब्लांकी पहला व्यक्ति था जिसने औद्योगिक क्रांति शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। लुई ब्लांकी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाला वही व्यक्ति था। तो इस औद्योगिक क्रांति के बाद में भैया क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति होती क्या है? देखो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हो गया, जो कुटीर उद्योग थे या जो कुटीर उद्योग कारखाने थे उनके स्थान पे क्या आ जाना, नवीन मशीनों का या नवीन आविष्कारों का या विज्ञान या प्रौद्योगिकी का क्या हो जाना, विकास हो जाना, वही क्या है औद्योगिक क्रांति। पहले भी यह किसी काम को करने में मान लो 10 साल का समय लगता था, वही काम आज 1 साल में हो रहा है, किसकी वजह से, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की वजह से। तो वही क्या था अपने औद्योगिक क्रांति थी, इंग्लैंड में ये हुई थी भैया। तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ, विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास होने से भैया ये जनसंख्या भी क्या हुई, वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होने से क्या हुआ भैया, मृत्यु दर में कमी आई, मृत्यु दर में कमी आई। क्यों? क्योंकि बेहतर चिकित्सा, बेहतर सुख सुविधाएं, बेहतर अपने एक प्रकार से दवाया मेडिसिन वगैरह लोगों को उपलब्ध होने लग गई। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा का बढ़ना, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने लगी। पहले जो लोग थे सामान्य बीमारियों से मर रहे थे, आज उन्हीं लोगों का या अपने कहे कि आज बड़ी से बड़ी बीमारी जो है उनका भी क्या होने लग गया है, उपचार होने लग गया है, इलाज होने लग गया है, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा स्वच्छता का प्रसार हुआ, पहले भी यह स्वच्छता कोई बड़ी बात नहीं थी, स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब स्वच्छता जो है वो एक प्रकार से अपने जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। आपको पता हो महायेश्वरी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी अपने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान का क्या किया था, प्रारंभ किया था। अपने शहरों में आप देखते होंगे भैया हमारे यहाँ जैसे नगर परिषद की जो गाड़ियां है वो कचरा लेने के लिए घर के पास में आती है। तो स्वच्छता होने से क्या होगा भैया, बीमारियां नहीं फैलेगी, बीमारियां नहीं फैलने से क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में ग्रोथ होगी। इसके अलावा भैया उद्योगों व कृषि में नई नई तकनीक आ गई, उद्योग धंधों में नई तकनीक आ गई, कृषि में नई तकनीक आ गई, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में हरित क्रांति, ठीक है। तो ये नई नई तकनीक आने से क्या हुआ, लोगों को एक प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी आय बढ़ी, और जिनसे वो अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सके। इसके अलावा भैया टीकाकरण में वृद्धि हुई, पहले भी यह सामान्य सी जो बीमारी होती थी, पोलियो वगैरह है या चेचक वगैरह है या टीबी वगैरह है, उससे लोग मर जाते थे, लेकिन आज जो है भयंकर से भयंकर बीमारियां जो है उनके भी क्या हो गए, टीके बन गए। जैसे अपने कोरोना की बात करें भैया, आज से अपने 2 साल पहले कोरोना का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब कोरोना की अपने कई वैक्सीन आ गई है, जिसकी वजह से लोगों की जो मृत्यु दर है उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। मृत्यु दर में कमी आने की वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये था भैया अपने आज की क्लास, अपने इस चैप्टर में 2 या 3 टॉपिक अपने और शेष रहे, उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके भैया।